दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। ये हमारा हिंदुस्तान है और ये लाल खून सी खींची लाइन हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अलग करने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल है। इस लाइन ऑफ कंट्रोल पर बसा है बटालिक, समुद्र तल से 16,000 फुट ऊंचा। सर्दी की तो बात ही दूर, गर्मी के मौसम में भी यहां का तापमान शून्य से नीचे रहता है। शायद ये जगह कुदरत ने खुद के लिए बनाई है। यहां इंसान तो क्या, परिंदे भी अपना बसेरा नहीं बनाते, लेकिन देशवासियों के बसेरे सही सलामत रहें इसलिए हमारे फौजी यहां 12 महीने रहकर और दिन रात जागकर सरहद की हिफाजत करते हैं। ये जान देने से नहीं डरते, ये जान लेने से नहीं घबराते, क्योंकि इनका मकसद है सरहद की निगहबानी करना और हिफाजत करना उस मां की जिसके ये लाल है। सिपाही तारा सिंह, हाँ जी लाइए। गनमैन रूपचंद, हाँ जी हाँ जी, इधर इधर। अरे कहाँ छुपे खड़े हो? हाँ, हवलदार भोलानाथ, हाँ जी हाँ जी। कैप्टन इरशाद खान साहब, आपका पार्सल। अरे हाँ जल्दी ला, जल्दी ला, लगता है इसमें जरूर मिठाई होगी। अरे नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सबको मिलेगी सबको मिलेगी, एक मिनट, सबको मिलेगी। अम्मी का खत आया है। मेरे अजीज इरशाद, खुदा तुम्हें और तुम्हारे साथियों को सलामत रखे। तुमने अपने पिछले खत में लिखा था कि तुम्हें मेरी और गांव की बहुत याद आती है। तेरी दो माँ हैं बेटे, एक जिसने तुझे जन्म दिया, तालीम दी, परवरिश की, और दूसरी माँ है तेरी सरजमी, जिसकी हिफाजत के लिए तू सरहद पर मौजूद है। मैं तेरी दूसरी माँ का दूध यानी अपने गाँव की मिट्टी भेज रही हूँ, इसे अपने माथे पर लगाना और अपना फर्ज निभाना। तेरे दोस्तों का ये कर्ज रहेगा मुझ पर और इस देश की हर एक मां पर। खुदा हाफिज, तुम्हारी अम्मी।
पांच फौजी भाइयों की आखिरी फरमाइश है फिल्म मधुमती के गीत की। बोल शैलेंद्र के हैं, धुन सलिल चौधरी की है और गाया है लता मंगेशकर ने। और फरमाइश करने वाले हवलदार बख्तावर सिंह, सिपाही हुकुमराम, नायब सुबेदार विक्रम सिंह और कैप्टन सी के चौधरी। ओ छड़ यार, आज फिर ना तो मेरा नाम आया ना ही मेरी पसंद का गाना आया। कैप्टन साहब, मैंने देखा विविध भारती वालों को पता नहीं आपसे क्या दुश्मनी है। अरे इतने खत आप डालते हैं पर मजा लग कभी आपका नाम अनाउंस हो जाए। कैप्टन साहब, आखिर आपकी पसंद का गाना कौन सा है? ओए वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, पहले मेरी पसंद का जोक सुन। ओह कैप्टन साहब, आपके जोक में तो कभी हंसी आती नहीं। अरे यार वही पुराना स्टॉक होता ना जोक्स का, वो भी क्या करें। ओए लेटेस्ट आया है चंडीगढ़ से। अच्छा जी, तो सुनाइए। वो क्या हुआ, एक आदमी बिल्कुल थका हुआ एक नाई की दुकान में पहुंचा और जाके ऐसे बैठ गया। तो नाई आया, बोला साहब क्या करना है? वो आदमी बोला, यार तू मेरी दाढ़ी बना दे। तो नाई बोला, साहब अपना चेहरा तो ऊपर करो वरना दाढ़ी कैसे बनाऊंगा। तो आदमी बोला, अच्छा तू इस तरह कर मेरे बाल ही काट दे। तो नाई हंसने लगा, बोला साहब क्यों मजाक करते हो, मैं आपके बाल कैसे काट सकता हूँ। क्यों 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 सर? ओ यार वो आदमी बिल्कुल गंजा था इसकी तरह। मेरी टोपी, देखिए देखिए सर, प्लीज सर मेरी टोपी मुझे वापस कर दीजिए सर, मुझे ये मजाक पसंद नहीं। ओए मैं तेरी टोपी नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, मेरे जो पुराने स्टॉक के हैं हंसी नहीं आती है, मैं तेरी टोपी नहीं दूंगा। सर आप चाहे मुझे गोली मार दीजिए पर मेरी टोपी मुझे वापस कर दीजिए सर। पर क्यों सर? अगर बचपन से मेरे सर पे बाल नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? सर मैं स्कूल में पढ़ता था, लड़कियां मुझ पे हंसा करती थी, लड़के मेरे सर पे थप्पड़ मार के भाग जाया करते थे। सर दो बार मेरी शादी के लिए मेरा रिश्ता तय हुआ और दोनों बार टूट गया सर। आप देख लेना सर, जिस दिन मैं अपने देश के काम आ गया ना, उस दिन सबको मुझ पे फख्र होगा, कोई मुझ पे नहीं हंसेगा। ओ यार पुरुषोत्तम, तू तो इमोशनल हो गया। ओ आई एम वेरी सॉरी यार, मुझे माफ कर दे। थैंक यू सर। ओए फिर भी तू तो मेरा गोल्डन ब्यूटीफुल है यार। मेजर साहब, अभी अभी मैंने रेडियो पर खबर सुनी कि श्रीनगर के लाल चौक के फौजी कैंप पर आतंकवादियों ने आत्मघाती हमला करके हमारे 10 जवानों को मार दिया। सर ये पाकिस्तान चाहता क्या है? कितनी मर्तबा मुंह की खानी पड़ी उसे, ना तो वो खुद अमन से जीता है ना ही हमें शांति से जीने देता है। सर ये रोज की खिटखिट से तो बेटर ये है कि एक ही चटके में हम उसे खत्म कर दें। ऐसे चाहकर भी हम नहीं कर सकते कैप्टन दलेर सिंह, हम जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं, ना हम पहल करते हैं ना करेंगे। हमारी जनता चैन से सोए इसलिए हमें जागते रहना होगा। ये तो पड़ोसियों को सोचना है, कैसी हरकतें करने के बावजूद भी उनका सपना पूरा नहीं होगा। ओ सर ये लड़ाई एक ना एक दिन तो हम निपटा ही देंगे। आप ये बताइए आपका वो सपना कैसे पूरा हुआ? कौन सा सपना? ओ वही सर, कर्नल खन्ना की बेटी मिस सोनिया, आपने उसे कैसे पटा लिया सर? सर हमने तो सुना है कि वो अपनी नाक पर मक्खी तक भी नहीं बैठने देती सर। सर मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उन्होंने अपना स्वयंवर खुद रचा लिया था और कहा था जो मुझे रेस में हराएगा मैं उसके गले में वरमाला डालूंगी। I mean to say, sir, गले में बाहें डालूंगी। सर यू नो व्हाट आई मीन सर, शी इज एशियाड गोल्ड मेडलिस्ट। आप लोगों ने जो भी सुना सब सच सुना। सोनिया के साथ मेरी पहली मुलाकात तब हुई जब उसने एक खूबसूरत सा जाल टेररिस्ट को पकड़ने के लिए डाला था।
चूहे बिल्ली का खेल। कैप्टन सोनिया खन्ना फ्रॉम आर्मी इंटेलिजेंस। तुम क्या हम लोगों को बेवकूफ समझती हो? तुम जैसे आर्मी वालों को हम अपनी जेब में रखकर घूमते हैं, और हमारा मकसद कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करके अपने पाकिस्तान में शामिल करना है, और इंशाल्लाह हम अपने मकसद में कामयाब जरूर होंगे। Guns down! Quick! Hands
साथियों को जाने दो। मैं सुसाइड स्क्वाड से हूं, ह्यूमन बॉम्ब, अपने आप को ब्लास्ट कर दूंगा। हम सबको जाने दो मेजर। हंस कर लिया पाकिस्तान, लड़ कर लेंगे जन्नत कश्मीर, जिस पर पाकिस्तान का हक है। मुझे माफ कर दो मेजर साहब, मुझे माफ कर दो मेजर साहब, मेजर साहब मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हमारे कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करेगा। तुम्हारे मुल्क को तो बॉम्ब स्क्वाड बनाने पड़ते हैं, लेकिन हमारा हर फौजी अपनी हथेली पर तुम्हारी मौत लेकर घूमता है। कैप्टन अरशद खान। यस सर। अरेस्ट देम ऑल। क्या आप? कैप्टन सोनिया, तुमने जिस बहादुरी से ये मिशन अकम्प्लिश किया है, मैं तुम्हारा नाम गैलेंट्री अवार्ड के लिए रेकमेंड करूंगा। थैंक यू सर। कल हर अखबार में तुम्हारी फोटोएं छपेंगी, तुम्हारी बहादुरी के किस्से छपेंगे, और हिंदुस्तान की हर लड़की की तुम एक आइडल बन जाओगी। वो किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाने की बजाय एक कैप्टन सोनिया जैसा बनना पसंद करेगी। थैंक यू सर। हिंदुस्तान का हर परिवार भगवान से प्रार्थना करेगा कि उनके घर में भी एक कैप्टन सोनिया जैसी बेटी हो। थैंक यू सर। और बस एक महीने में तुम कैप्टन से मेजर बन जाओगी, मिस सोनिया से मिसेज मेजर सोनिया प्रताप सिंह बन जाओगी। थैंक यू सर। व्हाट सर? यस मेजर, मैं सिर्फ एक आर्मी कैप्टन ही नहीं बल्कि एक कामयाब एथलीट भी हूँ, एक एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो आपने मेरे चैलेंज के बारे में सुना ही होगा। मैंने मिस को अपनी मिसेज बनाने के लिए सोच समझ कर ही फैसला किया है। मेजर देखो, मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। समय और दिन तुम तय करोगी, लेकिन जगह मेरी पसंद की होगी। डन। तो कल सुबह 8 बजे। ओके। ये कहाँ ले जा रहे हो मुझे? जब से मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई है, मैंने तो कोई ट्रैक फील्ड नहीं देखा। कैप्टन सोनिया, हमने डिसाइड किया था कि टाइम और दिन तुम तय करोगी, लेकिन जगह मेरी पसंद की होगी। ठीक है। चलो। ठंडी होगी सर। हाँ। इस तरह से मैंने अपनी मोहब्बत हासिल की, और बस चंद महीनों में मेरा घर भी बस जाएगा। सर, अम्मी ने मेरे लिए भी लड़की पसंद कर ली है। बस हेडक्वार्टर से इस बार मेरी छुट्टी मंजूर हो जाए, मैं भी सगाई कर लूंगा। ऑल द बेस्ट कैप्टन, लेकिन अभी तुम्हें इंतजार करना होगा, क्योंकि जब तक यहाँ पहली बर्फ ना पड़े, यहाँ से ना कोई जा सकता है, ना किसी की छुट्टी मंजूर हो सकती है। सर, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ इस बार बर्फ जल्दी पड़े। अल्लाहु अकबर अल्लाह।
लाला का इकबाल बुलंद हो, आमीन। लाला को परवरदिगार खुश रखे, आमीन। अल्लाह लाला को बेशुमार दौलत और धन दे, आमीन। अल्लाह लाला को दुनिया की सारी नेमतों से नवाजे, आमीन। अल्लाह लाला को बेशुमार दौलत। चलो मियां जल्दी चलो, लाला की सालगिरह है, खैरात बटने वाली है। मुझे पता है लाला दरगाह पे आने वाला है, चादर चढ़ाने वाला है और काली माँ के मंदिर में बलि देने वाला है। ओ बेगम जल्दी चलो। चलो चलो भाई। चल तू भी चल हमारे साथ वहाँ, खैरात बटने वाली है, तुझे भी लाला के यहाँ जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। मुझे नहीं चाहिए लाला की खैरात, और हमारे परिवार से उसकी भीख लेने वहाँ कोई नहीं जाएगा। सत्या ये क्या कह रहा है तू? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ भाभी। जब से मैंने गाँव में कदम रखा है, गाँव का एक एक आदमी लाला के जन्मदिन का जश्न मना रहा है। हम लोग किसान है भैया, खेती करके हम अपना पेट पाल सकते हैं, हमें लाला की दया पर जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं है। लाला का इकबाल बुलंद हो, अल्लाह लाला को बेशुमार दौलत और धन दे, अल्लाह लाला को दुनिया की सारी नेमतों से नवाजे। लाला का इकबाल बुलंद हो, अल्लाह लाला को बेशुमार दौलत और धन दे, लाला का इकबाल बुलंद हो, लाला को परवरदिगार खुश रखे। भाईजान आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। मैं दुआ करता हूँ मेरी ये जान भाईजान के काम आए। अल्लाह मेरी उम्र भी भाईजान को दे दे। अल्लाह मेरे भाई को लंबी उम्र दराज करे। मुबारक हो, मुबारक हो। तुम लोग सिर्फ मेरे भाई नहीं, ताकत हो मेरी, मुझे फख्र है मेरे भाइयों पर। मुबारक हो। चलो भाई। वालेकुम अस्सलाम। नरगिस, मेरी नजरें किसे तलाश कर रही हैं? जब मेरी आंखों में शोकियां आ जाएं, जिसे देखकर मेरा दिल धड़क उठे, जिस पर नजर पड़ते ही मेरी आंखें चमक उठे, तो समझ जाना मुझे उसी की तलाश है। लाला का इकबाल बुलंद हो। अल्लाह लाला को दुनिया की सारी नेमतों से नवाजे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। आइए आइए लाला, आइए। या मेरे मौला, दुनिया की हर बला और मुसीबत से हमारे लाला की हिफाजत करना। आमीन आमीन आमीन।
शाबाश, आज मैं ये खंजर तुम्हें तोहफे में दे रहा हूं। इसकी क्या जरूरत है साहब जी? आपकी बेशुमार ताकत है और अम्मी अबू की दुआएं मेरे साथ हैं। फिर भी अगर किसी ने गलती से जोनाबाद की तरफ बुरी नजर डाली या इस सरजमी के साथ गद्दारी की तो ये खंजर उसके सीने में उतार देना। जो हुक्म साहब जी।
अलबख्श, जब भी तुम मुझसे मिलना चाहते हो, प्यार भरी बातें करना चाहते हो, तो मुझे यहाँ ले आते हो। क्यों? क्योंकि अम्मी अब्बू हमारी मोहब्बत के गवाह हैं नरगिस। ये मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, मगर यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि आज भी मेरे साथ हैं। यहाँ आकर बड़ा सुकून मिलता है मुझे। मैं इनसे अपनी दिल की बातें कर लेता हूँ और ये मेरे हर सवाल का जवाब दे देते हैं। अम्मी और अब्बू से मेरे साथ निकाह करने की इजाजत कब लोगे अलबख्श? अम्मी अब्बू के साथ मुझे लाला से भी इजाजत लेनी पड़ेगी। क्यों? मेरे सर से अम्मी अब्बू का साया उठ जाने के बाद लाला ने ही मेरी परवरिश की। मेरा रोम रोम लाला का कर्जदार है। और मेरी मोहब्बत? तुम्हारी मोहब्बत तो मेरी ताकत है नरगिस। तुम्हारा वजूद मेरी सांसें। तुम्हारे बगैर मैं जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता। अलबख्श, इस मौसम की पहली बर्फ मुबारक हो नरगिस। कैप्टन, हर साल मुझे खासतौर से यहीं रिपीट किया जाता है, लेकिन इस साल हेडक्वार्टर ने मुझे नीचे जाने की मंजूरी दे दी है। बड़े खैरियत की बात है। सर, वो इसलिए ताकि हम जैसे नए ऑफिसर्स भी आपकी तरह एक्सपीरियंस और ट्रेंड हो जाएं। लेकिन इरशाद, तुम्हारी भी तो छुट्टी मंजूर है। सर, मैंने छुट्टी कैंसिल करा दी है। मैं गाँव नहीं जाऊँगा। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें तो अपनी माँ की बहुत याद आती थी। सर, इस माँ को छोड़कर अब उस माँ के पास तभी जाऊँगा जब वो मुझे बुलाएगी। और वैसे अब मुझे उसकी याद नहीं आती, वो हर वक्त मेरे साथ है। इरशाद, तुम लोग 3 ऑफिसर्स हो और 7 जवान, टोटल 10। कुछ बैठियों के लिए काफी है सर। मौका पड़ने पे एक एक सिपाही 1,25,000 दुश्मन पे भारी पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्यों कैप्टन साहब, इतने बड़े थैले में दुश्मनों का गोश्त ला रहे हैं? ओए, दुश्मनों का गोश्त तो हमारे यहाँ के कुत्ते भी नहीं खाते हैं। ओए तारा सिंह, ओए मेरी चिट्ठियाँ ले जा यार, सिर्फ तारीख लिखकर रोज एक पोस्ट कर देना। साहब, मेरे गांव से तो पोस्ट ऑफिस 4 किलोमीटर दूर है, आप किसी और को दे दीजिए। रूपचंद साहब, पिछली मर्तबा मेरी आधी छुट्टियाँ आपकी चिट्ठियाँ डालने में गुजर गई थी, आप भोलानाथ को दे दीजिए, इसका बाप पोस्ट मास्टर है। क्या बात कर रहा है साहब, मेरा बाप तो 2 साल पहले ही मर चुका है, तब से मैंने पोस्ट ऑफिस ही जाना छोड़ दिया है। कमाल है यार। एक दिलेर सिंह सर, ला तेरी चिट्ठियां, मैं पोस्ट कर दूंगा। ओह, थैंक यू वेरी मच सर। इसी बात पर मैं आपको एक जोक सुनाता हूं। ना ना ना, जोक नहीं, तेरी चिट्ठियां मैं पोस्ट कर दूंगा लेकिन जोक नहीं सुनूंगा। दिलेर सिंह सर, मैं वादा करता हूं कि छुट्टियां खत्म होने से पहले तेरा नाम और तेरी पसंद का गाना रेडियो पर जरूर बजेगा। सर, जिस दिन मेरी पसंद का गाना के साथ आ गया, उसके बाद हर जवान की जुबान पर वही गाना होगा। ऑल द बेस्ट सर। अब समझ में आया कि इतने बरसों के बाद मेरी छुट्टी क्यों मंजूर हुई। क्यों सर? वो कैप्टन सोनिया के बगल में देख रहे हो कर्नल खन्ना को? हाँ जी। वो कैप्टन सोनिया के डैडी हैं। ये सर। उनकी अप्रोच की वजह से मुझे छुट्टी मिल गई है। कैप्टन सोनिया, यू आर ग्रेट ग्रेट ग्रेट। I love you, Pratap. I love you. तुम नहीं जानते प्रताप, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मिस नहीं करोगी तो मिसेस कहां से बनोगी? मेजर प्रताप। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। तुम्हारी छुट्टियां अभी तक शुरू नहीं हुई जो तुमने रोमांस शुरू कर दिया। क्या आप मेरी छुट्टियां कैंसिल कर देंगे सर? एब्सोल्युटली नो। बॉर्डर और श्रीनगर को जोड़ने वाला जो जोनाबाद का ब्रिज है, वो क्रॉस करने के बाद तुम्हारी छुट्टियां शुरू होंगी। ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। एट लास्ट, लेट देम एंजॉय।
पाकिस्तान का नारा है। मस्तान साहब, लाला का फोन है। अस्सलाम वालेकुम गुलमस्तान। वालेकुम अस्सलाम लाला। खुशखबरी है, फौजी कारवा श्रीनगर की तरफ रवाना हो चुका है। इसके मायने वहाँ भी बर्फ पड़नी शुरू हो गई है। यकीनन, और मेजर प्रताप के चले जाने से हमारा रास्ता और भी साफ हो गया है। इसी बात पर हमारी दावत कबूल करें लाला, अपने भाइयों के साथ हमारे गरीब खाने पर तशरीफ लाएं आप। ठीक है, कल ही हम हमारे भाइयों के साथ तुम्हारे दौलत खाने पर तशरीफ लाएंगे। खुशामदीद। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आ जा बख्तावर। खुशामदीद। तुम्हारे मुबारक कदम यहाँ पड़े, यही हमारी फतेह है लाला। यहाँ तो पूरी जंग की तैयारी चल रही है गुलमस्तान। बेशक, जिहाद का वक्त आ गया है लाला, और इस मर्तबा हिंदुस्तानी फौज के दोबारा सरहद पर लौटने से पहले हम जौनाबाद को तोड़ के अपने कब्जे में कर लेंगे, और इंशाल्लाह कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करके पाकिस्तान में मिला लेंगे। ये कैसी बातें कर रहे हो गुलमस्तान? कश्मीर पाकिस्तान में हरगिज नहीं मिलेगा जैसा कि तय हुआ था। मुझे आजाद कश्मीर चाहिए, पूरा मुल्क, जिसका वजीर आजम बनना है मुझे, और सिर्फ इसी वजह से मैं तुम लोगों का साथ दे रहा हूं। इंशाल्लाह, ऊपर वाले ने चाहा तो ऐसा ही होगा लाला। हथियारों की पहली कंसाइनमेंट तो मिल ही चुकी होगी लाला। हमारे यहां से और दो खेप रवाना होंगी। पहली खेप में RDX और जिलेटिन स्टिक्स होंगी, और दूसरी खेप में कुछ लैंड माइंस, रॉकेट लॉन्चर्स और मिसाइल्स होंगे। तो ठीक है गुलमस्तान, मैं अपने आदमियों के साथ जल्द से जल्द अलबख्श को तुम्हारे पास भेजता हूँ। चाय। शुक्रिया। अलबख्श, आज मत जाओ अलबख्श। अम्मी और अप्पू ने तुम्हारी चादर कबूल नहीं की। मेरा दिल घबरा रहा है, खुदा के वास्ते मत जाओ। अम्मी अबू की दुआएं मेरे साथ हैं नरगिस। लाला की जुबान मेरे लिए हुक्म है, और उसे निभाना मेरा फर्ज। अलबख्श, ये इमाम जामिन ताबीज तुम्हें बांध रही हूँ, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे, हर बला से महफूज रखे। ताबीज का टूट कर गिरना अच्छा नहीं होता अलबख्श, मुझे डर है आज कोई ना कोई हादसा जरूर होगा। मेरी खातिर रुक जाओ अलबख्श, अपनी मोहब्बत की खातिर रुक जाओ। फिर से तुम्हें रुकने के लिए कभी नहीं कहूंगी, कभी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता नरगिस, लाला खुद सरहद पार जाकर इस काम के लिए जबान दे आए हैं। अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो मैं लाला से नजरें कभी नहीं मिला पाऊंगा। भरोसा रखो नरगिस, अपनी मोहब्बत पर यकीन रखो, मुझे कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
Thank you.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अलबख्श। अलबख्श, लाला वाकई बहुत खुशकिस्मत इंसान है कि उसे तुझ जैसा वफादार, नेक और ईमानदार आदमी मिला। मैं तो लाला की खाक के बराबर भी, लाला तो फरिश्ता है मेरे लिए, इसीलिए मैं अपने मुल्क के जवानों से छुपकर लाला के लिए काम करता हूँ। शाबाश, सामान लाद दो। फतेह हमारी होगी। फौजी भाइयों पर गोलियां क्यों चला रहे हो? अगर हम गोली नहीं चलाएंगे अलबख्श, तो ये खून डालेंगे हमें। रुक जाओ गुलफाम, मैं सबको बचा कर ले जाऊंगा यहाँ से, लेकिन गोली मत चलाओ। मेरी टोपी नहीं, छोड़ दो सर। लाला ने फौजियों से बचाकर सामान लाने के लिए जरूर कहा था, पर उन पर गोली चलाने के लिए कभी नहीं कहा था। ये हमारे जवान है। मैं तुमको यहां से बचा कर ले जाऊंगा, चलो। किधर गए साले कुछ पेटिए, ढूंढो उन कमीनों को। ओए इस हादसे पर मैंने एक जोक याद आ गया। सर बी सीरियस सर, वहां जवानों को गोली लगी है, चलें। यस यू आर राइट, संजय प्रभाकर लेट्स गो बैक। ओए जल्दी करो, जल्दी उन जवानों को ले जा बंकर में फर्स्ट एड के लिए। ओए पुरुषोत्तम, मैंने वायरल से सर जल्दी। अल्फा 1 2 चार्ली 1, देयर इज अ वेरी अर्जेंट मैसेज फॉर यू, कम इन ओवर। चार्ली वन स्पीकिंग, बोलो दिलेर सिंह क्या बात है? सर बॉर्डर पर घुसपैठियों के साथ अभी हमारा एनकाउंटर हुआ, ओवर। एनी कैजुअल्टीज? ओवर। सर दोनों तरफ से गोलियां चली, हमारे 3 जवान घायल हैं, दे आर बैडली वुंडेड, उनमें से एक बहुत ही सीरियस है, ओवर। कैप्टन मैं अभी हेलीकॉप्टर भेज रहा हूँ, इमीडिएटली उन्हें आर्मी हॉस्पिटल में शिफ्ट करो, ओवर। थैंक यू वेरी मच सर। सर एक अर्जेंट बात और है, ओवर। बोलो दिलेर सिंह। सर क्या है, रेडियो पर मेरी फरमाइश का गाना अभी तक नहीं बजा है सर, ओवर। कैप्टन दिलेर सिंह, मैं तुम्हारे लेटर्स पोस्ट करता रहा हूँ, ओवर एंड आउट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। लैप फाड़ सर। ओए क्या हाल है इनके? आप ठीक है सर? बस ठीक है सर। साला जब से पाकिस्तान बना है ये हमसे लगातार पंगा ले रहे हैं। ओए ये पाकिस्तानी ये नहीं समझते कि अगर हिंदुस्तान की सारी जनता उनके बॉर्डर पर खड़े होकर ये कर देना हाँ तो सारे पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी। क्या बात है सर? हाँ, साले दोगले समझते नहीं है।
कैसे हो अलबख्श? मैं तुम्हें रोक रही थी ना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझे डर था कि कुछ न कुछ जरूर होगा। आखिर वही हुआ ना, खुदा ना करे अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी खुदकुशी कर लेती। खुदा पर भरोसा रखो नरगिस, वो सबकी हिफाजत करता है। एक बात कहूं अलबख्श? बोलो नरगिस। तुम्हें मेरी मोहब्बत का वास्ता, सरहद के उस पार जाना छोड़ दो। मैं लाला के लिए काम करना नहीं छोड़ सकता नरगिस। लाला के लिए तो तुम आज तक काम करते रहे अलबख्श, पर कल तुम्हें अपनी भी तो जिंदगी गुजारनी है। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम लाला से अपने लिए थोड़ी सी जमीन मांग लो, और उसमें जो अनाज पैदा होगा उससे हम अपना गुजर बसर कर लेंगे। कम से कम सुकून और इत्मीनान की जिंदगी तो जी सकेंगे। लो, तुम्हारा घर आ गया। अलबख्श, तुम लाला से जमीन के बारे में बात जरूर करना। मैं साहब जी से बात करूंगा। आओ अलबख्श, आओ। ये क्या हुआ अलबख्श? मामूली सा जख्म है साहब जी, गोली छू कर निकल गई। किसकी गोली? हमारे वतन के जवानों की। तुम लोगों को किसी ने पहचाना तो नहीं? नहीं साहब जी। अलबख्श, आज मैं बताता हूं कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत क्यों करता हूं। ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो इसके पीछे मेरा बहुत बड़ा मकसद है। आओ मेरे साथ। अलबख्श, जानते हो तुम मैं ये हथियार पड़ोसी मुल्क से क्यों मंगवाता हूँ? क्योंकि हमारे जागीरदार और जमींदार इन्हें खरीदते हैं ताकि वो जंगली जानवरों से गांव वालों की जान बचा सकें। वक्त आने पे यही हथियार मैं पुलिस वालों को भी देता हूँ, जिससे वो हमारे आवाम की हिफाजत कर सकें, और इससे जो भी आमदनी होती है उसे मैं जौनाबाद के लिए खर्च करता हूँ ताकि जौनाबाद में हमारी हुकूमत बनी रहे। यही हमारा कारोबार है अलबख्श, यही हमारा धंधा। साहब जी, आपके बेहिसाब एहसान है मुझ पर, एक और मेहरबानी कीजिए। जो मेरी खातिर अपना खून बहा सकता है क्या लाला उस पर एहसान नहीं कर सकता? बोलो अलबख्श। साहब जी, जहां जहां तक निगाह जा सकती है पूरे जौनाबाद में आप ही की हुकूमत है, आप ही की जमीन है। साहब जी, मुझे खेत का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए। अलबख्श, जिस जमीन की तरफ तुम इशारा करोगे वो जमीन तुम्हारी, पर मेरी खातिर तुम्हें इस साल एक कड़ा इम्तिहान देना होगा। वो क्या साहब जी? इस बार घोड़ों की दौड़ में तुम्हें जौनाबाद का झंडा ले जाकर टेकरी पर गाड़ना होगा, और ये दौड़ जीतकर अलबख्श तुम्हें सारी वादियों में लाला का रुतबा बढ़ाना होगा। इंशाल्लाह साहब जी। सर रिलैक्स। बॉर्डर के उस पार से घुसने वाले कितने घुसपैठिए थे? जी 6-7 थे। उनके पास ऑटोमेटिक राइफल्स थी, इसका मतलब या तो ड्रग पेडलिंग कर रहे थे या वेपन्स की स्मगलिंग कर रहे थे। तुम उनमें से किसी को पहचान सकते हो? जी। ओह, कम। उनमें से किसी की सूरत पहचानते हो तुम? सर मुझे सिर्फ एक चेहरा याद है। उन छहों में से तुम्हें किसी का चेहरा याद है?
धुंधा धुंधा एक का चेहरा याद है साहब, वो अपने साथियों से कुछ कह रहा था। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मेजर, तुमने जवानों से इंक्वायरी कर ली? यस सर। तुम क्या सजेस्ट करते हो मेजर, हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? कैप्टन सोनिया। यस सर। तुम अपने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट को बिठाओ और फौजियों के बताए हुए हुलिये के मुताबिक उसका स्केच तैयार करो, सो वी कैन हिट दैट ब्लडी टेररिस्ट। आज लाला अपनी शान और इज्जत तुम्हारे हवाले कर रहा है अलबख्श, इसे बरकरार रखना। इसे हराना है, इस बार वो हमसे नहीं जीत सके।
आज लाला का रुतबा कायम हो गया अलबख्श। आज तुमने लाला को जीत लिया। तुम्हारी जीत की वजह से हमारी बर्बादी हुई है लाला। तुम्हारे घोड़ों की दौड़ ने हमारे खेत बर्बाद कर दिए हैं। सत्यम, मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूं लाला कि तुम्हें किसने यह अधिकार दिया है कि तुम किसान की मेहनत को अपने घोड़ों के टापों के नीचे रौंद डालो। मैं हक के लिए लड़ने वाला इंसान हूं लाला, इसलिए यह पूछता हूं कि हमारे बच्चों के मुंह से निवाला छीनने वाले तुम कौन होते हो। मैं अपने और अपने किसान भाइयों के नुकसान की भरपाई चाहता हूं लाला, वरना आज के बाद मैं ना सिर्फ तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाऊंगा बल्कि विद्रोह भी करूंगा। लाला से नजर मिलाता है, लाला से नजर मिलाता है, लाला से विद्रोह करेगा तू, लाला से विद्रोह करेगा। छोड़ दे अलबख्श, छोड़ दे मेरे भाई को, उसने तेरा क्या बिगाड़ा है। अलबख्श छोड़ दे मेरे भाई को, छोड़ दे मेरे भाई को। लाला 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 छोड़ दो सत्या को। लाला लाला ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। इसकी पहली और आखिरी भूल समझ कर इसे माफ कर दो लाला, छोड़ दो सत्य को लाला, छोड़ दो। मैं पाँव पड़ता हूँ आपसे। लाला सत्य को छोड़ दो लाला, माफ कर दो लाला। वो शहर से आया है, तुम्हारे कानून नहीं जानता लाला। उसे छोड़ दो, वो तुम्हारी तरफ आँख को टक्कर भी नहीं देखेगा। उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो लाला, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ लाला। अलबा लाला, नरगिस, नरगिस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम लाला। अब तक जो हथियार हमारे पास थे वो हमने हमारे लोगों में बांट दिए गुलमस्तान। हमें और हमारी सरकार को तुम पे नाज है लाला। शुक्रिया। अलबख्श को रवाना कर दो ताकि जल्द से जल्द हम हथियारों की आखिरी किश्त भेज सकें। हम हथियार बांटते रहेंगे या उनका इस्तेमाल भी करेंगे? नहीं लाला, जैसे ही ये आखिरी खेप वहाँ पहुँचेगी तुम लोग गाँव से कब्जा करना शुरू कर देना और हम लोग यहाँ के फौजी ठिकानों से जिहाद शुरू कर देंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पाकिस्तान का नारा है, विकास देके रहेंगे। गुलमस्तान, लाला हिंदुस्तान के साथ डबल क्रॉस कर रहा है और लाला की वजह से ही हमारा ये मिशन पूरा होगा। वैसे जबान तो हमने लाला को दे रखी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि लाला को कश्मीर का वजीर आजम बनाया जाए। मुशर्रफ साहब, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि हमने जबान दी और उसे पूरा किया? तारीख गवाह है, हम पुराने दोगले हैं मुशर्रफ साहब, पीठ पर ही छुरा घोंपा है। भूल जाइए लाला को। जिस दिन जौनाबाद हमारे कब्जे में होगा पाकिस्तानी झंडे के साथ उसे भी वहीं लटका देंगे। अलबख्श बैठ जा। खान। जी जनाब। अलबख्श आया है, लैंड माइंस लोड करवा दो। जनाब।
हुई लाला का वफादार कुत्ता है, आखिरी जखीरा ले जाने आया है। गुलमस्तान, जैसे ही जखीरा लाला के पास पहुंचेगा तुम उस कमजर को हुक्म देना कि सबसे पहले बारूद से जोनाबाद ब्रिज को उड़ा दे ताकि कश्मीर से जोनाबाद कट जाए। फिर ना हिंदुस्तान की फौजें जोनाबाद में घुस सकेंगी और ना ही उन्हें किसी तरह की मदद मिल सकेगी। ब्रिज के उड़ते ही हम लोग ऊपर से आर्मी चौकियों पर अटैक कर देंगे और जोनाबाद की तरफ से लाला अपने आदमियों के साथ हमला बोल देगा। और एक बार जोनाबाद हमारे कब्जे में आया फिर सब कुछ हमारी मुट्ठी में होगा। क्या बकवास कर रहा है गुलमस्तान? किस जोनाबाद को अपने कब्जे में लेने की बात कर रहा है? कौन सा कश्मीर अपनी मुट्ठी में लेना चाहता है? किस लाला के बारे में बात कर रहा है तू? हाँ, चीर के रख दूंगा साले हरामी के पिल्लों, अगर लाला के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। चुप! आवाज नीचे करके बात कर। लाला का पिल्ला है तू और हकीकत यह है कि लाला भी मेरा कुत्ता है। खामोश! कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। चल कबीने, चल लाला के पास। रोको उन लोगों को, गोली मत चलाना, गुलमस्तान को लग जाएगी। जी, देखो ये कमीना आपके बारे में क्या बकवास कर रहा है। साहब जी, ये कहता है आप गद्दार हो, इससे मिलकर जोनाबाद और कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करना चाहते हो। बता दो इस कमीने को कि आप वतन परस्त हो। आपके होते हुए जोनाबाद का एक जर्रा भी तोड़ के अलग नहीं किया जा सकता। साहब जी, पीठ पर खंजर घोपने वाला ये मादर खंजीर की औलाद कहता है आप भी इससे मिले। हाँ हाँ, मैं इन लोगों के साथ मिला हुआ हूँ। पर तू हराम खोर, इनको यहाँ क्यों ले आया? जानता है कौन है ये? मालिक है हमारे, आका है हमारे, ये इनका हुक्म तो हमें मानना ही पड़ेगा ना। अरे तो सिर्फ जोनाबाद और कश्मीर मांग रहे हैं, अगर ये कहे तो इनके सामने हम हमारी गर्दन भी काट के रख देंगे। नजरे नीची कर हराम खोर। मारो साले को, मारो।
और मारो साले को, मारो मारो साले को, कुत्ते की तरह मारो, मारो। बस लाला बस, तेरा नमक जो मेरे खून में मिला हुआ था वो बहा दिया तूने। अब जो कुछ भी मेरे जिस्म में बचा है वो मेरी माँ का दूध है, और अपने वतन की हिफाजत के लिए मुझे अपनी माँ का कर्ज चुकाना है। ठहरो, चल। अलबख्श कौन है ये? कहां से उठा लाया इसे? ये पाकिस्तान का फौजी अफसर है साहब जी, ये हमारे मुल्क में तोड़फोड़ और दहशत फैलाने आया है। इसने क्या किया अलबख्श, मुझे बताओ। साहब जी ये हमारे मुल्क से कश्मीर को अलग करना चाहता है, जोनाबाद को तोड़ना चाहता है। इसे सजा दो साहब जी, इसे हवालात में डालो साहब जी। दीवान जी, अलबख्श की रिपोर्ट दर्ज करो। जी जनाब। बोलो। ये लाला नहायत ही खौफनाक शैतान है, गद्दार है वो। इसी के जरिए सरहद पार से लाला हथियार मंगवाता था साहब जी, इसीलिए इस कमजर्फ को मैं पाकिस्तान से उठा लाया। लाला और ये एक दूसरे से मिले हुए हैं। हकीकत जानने के बाद साहब जी लाला ने अली खान जी, इस गद्दार को उठा के सलाखों के पीछे डाल दो जी, और इसका क्या हश्र करना है वो मेरे हुक्म का इंतजार करो। जी हुजूर। आओ गुलमस्तान। तेरे नैन नक्श तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन तेरी मौत बहुत बुरी होगी। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम मेजर प्रताप, वेलकम। गुड मॉर्निंग। आपने मुझे बुलाया सर? यस मेजर, बहुत जरूरी काम है आपसे। मेजर आप मिशन पर तो जा रहे हैं जहां मैं भी आपके साथ हूं, लेकिन यहां आपका एक मिशन अधूरा रह गया है। विच मिशन सर? मैं बताता हूं, पहले मेरी बात का जवाब दो। मेजर प्रताप, तुम कैप्टन सोनिया से मोहब्बत करते हो? यस सर। तुम सोनिया से शादी करना चाहते हो? यस सर। कल शाम को मैं तुम दोनों की एंगेजमेंट करना चाहता हूँ। यस सर। व्हाट सर? कर्नल साहब, बेटी की सगाई मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। कांग्रेचुलेशंस कर्नल साहब। थैंक यू को तुझको मचल गया ये दिल, हाथों से मेरे निकल गया ये दिल। हाय, देखने को तुझको मचल गया ये दिल, हाथों से मेरे निकल गया ये दिल। कुड़िये घूंघटा उठा दे, जरा मुखड़ा दिखा दे, मुंह दिखा
हाथों से मेरे निकल गया ये दिल। ये मोटा मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओए 8 पीएम हुआ नहीं और तेरी 8 पीएम शुरू हो गई, ला इधर दे। नो प्रॉब्लम।
A time for friends. 8 p.m. Hmm? सर, मैंने डिसाइड कर लिया है। ओए क्या डिसाइड कर लिया है तूने? सर आज मैं बाहर खुले में बैठ के पीऊंगा। कैप्टन पुरुषोत्तम, आप यहीं बैठ के पियो, बाहर बहुत ठंड है। तो क्या हुआ है? ओए ये तेरा घर नहीं है, ये बंकर है और हम लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। तो क्या हुआ? ओए बाहर गोलियां भी चल सकती हैं, तू मर भी सकता है। तो क्या हुआ? ओए तू बाहर नहीं जाएगा, मैं तेरा सीनियर अफसर हूँ और ये मेरा हुकुम है। तो क्या हुआ? कैप्टन सावधान, दो कदम पीछे चल, बैठ जा, आराम से। सर वैसे बाहर खुले में। ओए शट अप यार। तो क्या हुआ? इडियट। सर ये 8 पीएम पीने के बाद तो दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं और आप लोग आपस में लड़ रहे हो। तो क्या हुआ? क्या हुआ? चार्ली 1 टू अल्फा 1, ओवर। ओ अल्फा 1 स्पीकिंग सर, गुड मॉर्निंग मेजर साहब, इधर बड़ी ठंड पड़ रही है, आपकी तरफ कोई नया डेवलपमेंट है? ओवर। हमारे घायल जवानों ने जिस तरह का डिस्क्रिप्शन दिया है, कैप्टन सोनिया ने उस टेररिस्ट का एक स्केच तैयार किया है। तुम्हें ये पता करना है कि कहीं वो पड़ोसी मुल्क का कोई घुसपैठिया था या हमारी जमीन का कोई टेररिस्ट। ओवर। ओ जी, हमारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो यहीं जोनाबाद की पहाड़ियों के पीछे गए हैं। गुड, मैं बहुत जल्द वहां पहुंच रहा हूं। वो कभी भी एनकाउंटर कर सकते हैं, तुम अपनी बटालियन के साथ पोस्ट पर अलर्ट रहना। ओवर। मैसेज रिसीव्ड सर। सर वो हमारे गाने की फरमाइश का क्या हुआ सर? ओवर एंड आउट। थैंक यू सर। Let's go. ले फड़ यार। मैंनू सडनली एक जोक याद आ गया। हाँ जी। सुनाता हूँ। तीन दीदियाँ आपस में बातें कर रही थी। पहली बोली मैं कल की पार्टी में तो काले कपड़े पहन के जाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड के बाल बिल्कुल काले हैं। दूसरी बोली मैं तो सफेद कपड़े पहन के जाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड के बाल बिल्कुल सफेद हैं। और तीसरी बोली मैं तो कल की पार्टी में जा ही नहीं सकती। क्यों सर? सर? क्योंकि वो कुछ पहन ही नहीं सकती थी, उसका हस्बैंड तो बिल्कुल गंजा था ना। इसकी जैसा। उस गद्दार अलबख्श को पुलिस स्टेशन में उड़ा देना चाहिए था भाई सुल्तान। उसे पुलिस स्टेशन में मारने से क्या होता पता है? लाला कानून का मुजरिम बन जाता और हम कानून के साथ खेलते हैं बख्तावर, कानून को हाथ में नहीं लेते। भाईजान, यानी वो हरामखोर जिंदा रहेगा और एक दिन हमारे लिए नासूर बन जाएगा। लाला जिसे पालना जानता है उसे मिटाना भी जानता है। आज रात अलबख्श सोएगा मौत की गहरी नींद। मैंने बंदोबस्त कर दिया है उसका। लाला का इकबाल बुलंद हो। अलबख्श फरार हो गया।
क्या? आओ अली खान, उस हराम खोर को खत्म कर दिया ना। लाला, आपके कहे मुताबिक हमने अलबख्श को मारने की तैयारी कर ली थी। इससे पहले कि हम कोई एक्शन करते, वो हवालात की सलाखें तोड़कर फरार हो गया। तो अलबख्श पुलिस की गिरफ्त से निकल गया। वो फरार हो गया। हाँ? अब मुझे तेरी भी कोई जरूरत नहीं है। भाईजान, भाईजान वो की लाश को उठाकर पुलिस थाने में डाल दो और हवलदार नजीब से कहो रिपोर्ट में लिखे कि अलबख्श इसे मारकर फरार हो गया। जो गुलमस्तान को सरहद पार से उठा लाया वो यकीनन हमारे लिए भी मुसीबत बन सकता है, लेकिन उसे लाला की ताकत का अंदाजा नहीं। फाड़ के रख दूंगा साले को। मुझे आजाद कश्मीर का वजीर आजम बनना है, वो तो मैं बन के रहूंगा। तुम लोग पूरी वादियों में मौत का साया बन जाओ और वो नमक हराम अलबख्श कहीं भी छुपाओ, उसे अपनी गिरफ्त में ले लो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। सत्या, मुझे माफ कर दो शिवा भैया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं गुनहगार हूं आपका, आपके भाई का, आपके सारे परिवार का। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुझे तेरी भूल का एहसास है, यही तेरा प्रायश्चित है अलबख्श। नहीं शिवा भैया, मेरे गुनाह इतनी आसानी से नहीं मिटेंगे। मैंने इन हाथों को सत्य पर उठाया था, पर आज के बाद ये हाथ उन लोगों पर उठेंगे जिन लोगों के साथ मैं गलत राह पर चल पड़ा था। पता नहीं इस जंग में मेरी हार होगी या जीत। अगर मारा गया तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखना, अगर जिंदा लौटा तो हम मिलकर खुशियां बांटेंगे। आज मैं आप लोगों के पास बस इतनी दुआएं लेने आया था। मुझे आशीर्वाद दीजिए भैया, आशीर्वाद दीजिए।
अलबख्श, तू विजयी हो। हम सब की दुआएं तेरे साथ हैं। अम्मी, अबू, कल तक मैं अनजाने में गुनाह करता रहा और यहां आकर चादर चढ़ाता रहा। मुझे माफ कर दीजिएगा, पर आज के बाद मैं उन गद्दारों को खत्म करने की कसम खाता हूं और वादा करता हूं उन्हें निस्तो नाबूद करने के बाद ही यहां चादर चढ़ाने आऊंगा। मेरे रास्ते से। मैं तो अपने ही रास्ते पर हूं नवाब, अलबत्ता तू अपना रास्ता पीछे छोड़ाया पाकिस्तान में, और हिंदुस्तान से गद्दारी करने वालों का रास्ता सीधे कब्रिस्तान जाता है। लाला का भाई है। इस सर जमीन से मैंने आज एक गुनेगार का बोझ कम कर दिया। इस जंग की शुरुआत हो चुकी है, अंजाम का इंतजार करना। अल्बक्स! 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 चिल्ला लाला चिल्ला, तेरे हर भाई की मौत की चीख इन वादियों में गूंजेगी और तू एक एक की कब्र पर सर पटक पटक के रोएगा। मेरा वादा है, एक दिन तुझे भी इन वादियों में मैं दफना दूंगा, पर तेरी कब्र पर रोने वाला कोई भी नहीं होगा। कितना खूबसूरत है हमारा कश्मीर, है ना मेजर? किसी ने ठीक ही कहा है कि ये धरती पर जन्नत है। लेकिन इस जन्नत को किसी की नजर लग गई। देखना, ये एक दिन फिर से जन्नत बनेगा। जरूर सोनिया, हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जिस टेररिस्ट का स्केच तैयार किया है उसकी तुम जोनाबाद में इंक्वायरी करना, और मैं आसपास के गांव में करूंगा। हम दोनों वायरलेस पे एक दूसरे के टच में रहेंगे, ओके? सगाई के बाद लोग प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, और हम टेररिस्ट के बारे में बातें करेंगे।
लो बर्फ शुरू हो गई।
छम छम बोले पायल पिया, तूने ये क्या किया, मुझे छू लिया हो, मैं छुई क्या हुआ जो छू लिया, तो क्या हुआ जो छू लिया, तो क्या हुआ। तुम ठीक हो ना? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? नरगिस। कौन थे ये लोग? लाला के आदमी थे। ये लाला कौन है? हमारे गांव का सबसे बड़ा आदमी है, पूरे गांव का सरपरस्त है, सभी लोग उसी का हुक्म मानते हैं। ये लोग तुम्हारे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे थे? अलबख्श का पता जानने के लिए। ये अलबख्श कौन है? मैं अलबख्श से मोहब्बत करती हूँ। उन लोगों को तुम्हारी मोहब्बत पर एतराज है? नहीं। फिर? अलबख्श कल तक इन लोगों के साथ काम करता था, लाला का सबसे ईमानदार और वफादार आदमी था, मगर जब उसे पता चला कि इन लोगों का साथ देकर वो गुनाह कर रहा है, तो उसने खुद को इनसे अलग कर लिया। ये अलबख्श क्या काम करता है? साहब जी, मैं अलबख्श को खुद अपने साथ लेकर आती हूँ, वो आपको बताएगा इन लोगों के बारे में भी और अपने बारे में भी। साहब जी, अलबख्श बहुत नेक इंसान है, आपको खुदा का वास्ता, जिस तरह से आपने मेरी हिफाजत की उसी तरह अलबख्श की भी मदद कीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना।
डेल्टा फॉर चार्ली, डेल्टा फॉर चार्ली ओवर। चार्ली वन ओवर। डेल्टा फॉर चार्ली। मेजर आई लव यू मेजर, ओवर। आई लव यू टू, मैसेज रिसीव्ड, ओवर। डेल्टा फॉर चार्ली, इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू मेजर, ओवर। डेल्टा वन रॉजर, पास योर मैसेज, ओवर। सर, आईएसआई से यहाँ के लोकल लोग भी मिले हुए हैं। यहाँ के खास और ताकतवर लोगों ने हमारे देश के खिलाफ मुहिम चला रखी है, जिनमें सबसे ऊपर नाम लाला का है। लेकिन अब इनके ग्रुप में फूट पड़ चुकी है और जो आदमी इनके खिलाफ खड़ा हुआ है उसका नाम है Delta 1 to Charlie 1, message received, over and out. You terrorist? You are under arrest. जा रहे ही इज अलबख्श। इसी के बारे में तो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही थी। कल तक ये लाला के साथ काम करता था, लेकिन आज ये खुद लाला के खिलाफ खड़ा है। साहब जी, साहब जी, साहब जी, यही तो है मेरा अलबख्श साहब जी। और अलबख्श, यही तो है वो साहब जी जिन्होंने तुम्हारी नरगिस की इज्जत लाला के दरिंदों से बचाई। मैं लाला के बारे में जानना चाहूंगा अलबख्श। ये जखीरा मैंने लाला के भाई नवाब को मार के अपने कब्जे में लिया है और लाला के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। साहब जी, ऐसे न जाने कितने हथियारों के जखीरे लाला के हवेली में पेवस्त है। ये क्या कर रहे हैं साहब जी? तुम्हें आर्मी कस्टडी में ले रहा हूं। शुक्र करो कि तुम जैसे खतरनाक टेररिस्ट को मैंने गोली नहीं मारी। गद्दार अलबख्श पुलिस के शिकंजे से तो फरार हो गया था, पर अब आर्मी के गिरफ्त में आ चुका है। किसने गिरफ्तार किया उसे? मेजर प्रताप सिंह ने। मेजर प्रताप सिंह उसे कयामत तक नहीं छोड़ेगा, और इसी दौरान हमें अपने मंसूबों को कामयाब करना होगा लाला। इंशाल्लाह हम लोग यहाँ गांव से कब्जा करना शुरू करते हैं और तुम लोग पहाड़ों से फौजी ठिकानों पर हमला करो। अल्लाह हाफिज लाला। खुदा हाफिज। अलबख्श को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए।
ले चलो उसकी माशुका को। मैंने जिस मकसद के लिए तुम्हें गिरफ्तार किया था वो पूरा हो गया। मैं समझा नहीं साहब जी। तुम आर्मी की कस्टडी में हो, मैं ये लाला को दिखाना चाहता था। अब उनका काटा निकल गया है, इसलिए वो पाकिस्तानियों के साथ मिलकर जल्द से जल्द घुसपैठ शुरू कर देंगे। लाला और सरहद पार के लोगों को रोकना होगा साहब जी। अलबख्श, तुम यहाँ के रहने वाले हो, इसलिए यहाँ के अपने परायों को अच्छी तरह से पहचानते हो। तुम अपनों को साथ लेकर दुश्मनों पर नजर रखो, जब तक हेडक्वार्टर से फौजें यहाँ पर तैनात नहीं हो जाती। पर हम इसकी इन्फॉर्मेशन भी तो हेडक्वार्टर को दे सकते हैं। सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना काफी नहीं है, इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले हेडक्वार्टर्स को और भी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, जिसकी जिम्मेदारी मुझे लेनी होगी। अलबख्श, वो हथियार किसी महफूज जगह पर छुपा देना, ताकि दुश्मनों के हाथ ना लगे। अलबख्श, मैं तुम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप के जा रहा हूँ। साहब जी, भले ही हमारे मजहब अलग अलग हो, पर हमारा मुल्क तो एक है। जब तक हम एक दूसरे पर भरोसा करते रहें और अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ ठीक से निभाएं, तो कोई भी दुश्मन हमारे मुल्क पर आंख भी उठाकर नहीं देख सकता। तुम जैसे मुसलमानों का ईमान ही हिंदुस्तान की शान है अलबख्श। लेट्स गो कैप्टन। आर्मी इंटेलिजेंस और रॉ किसी ने भी आतंकवादियों के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी है, और ना ही बॉर्डर पर कोई आर्मी मूवमेंट या प्रॉक्सी वॉर जैसी सिचुएशन की कोई रिपोर्ट है। सर, आर्मी इंटेलिजेंस और रॉ किसी इंफॉर्मेशन को देने में नाकामयाब हो जाएं, तो क्या हम लोग हाथ पे हाथ रखकर बॉर्डर की तरफ से बेफिक्र हो जाएंगे? सॉरी मेजर, मैं सिर्फ एक तुम्हारे कहने से इतनी बड़ी तादाद में फौजी ताकत बॉर्डर पर नहीं भेज सकता। व्हाई सर, मैं अपनी कंपनी का ऑफिसर कमांडेंट हूँ, बॉर्डर पर जो कुछ भी हो रहा है उसे मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ, इसके बावजूद मुझे मेरी बटालियन की मदद नहीं मिलेगी? क्योंकि तुम एक ऐसे आदमी पर यकीन कर रहे हो मेजर प्रताप, जो कल तक हमारे दुश्मनों से मिला हुआ था। इस इन्फॉर्मेशन के पीछे कोई साजिश भी तो हो सकती है। अगर मैं देशभक्त और देशद्रोही में फर्क नहीं पहचान सकता, तो मुझे आर्मी से रिजाइन कर देना चाहिए सर। डोंट गेट इमोशनल मेजर प्रताप। देखो, मैं इतने जवानों का रिस्क नहीं ले सकता, बर्फीले तूफान और एवलांचेस में मैं अपने जवानों को झोंक नहीं सकता। उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ सर। अगर एक भी जवान एवलांच या तूफान में मेरी वजह से मारा गया, यू कैन कोर्ट मार्शल मी सर। एंड व्हाट अबाउट इंटरनेशनल कम्युनिटी? उन लोगों के सामने भी तो हमें जवाब देना होगा। पड़ोसी मुल्क वाले हम पर ये इल्जाम भी तो लगा सकते हैं कि पहल करके हमने हमला किया था। पूरी दुनिया जानती है सर कि आज तक किसने किसके ऊपर पहले हमला किया है, कहां ये टेररिस्ट पलते हैं, कहां इन टेररिस्ट की ट्रेनिंग होती है, और कौन ये टेररिज्म फैला रहा है। क्या उन्हें इंटरनेशनल कम्युनिटी की परवाह है? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी की आंखों पर पट्टी बंधी है, या वो जानबूझकर खामोश हैं? सर, हमें अपने देश की रक्षा खुद करनी है। मेजर प्रताप, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम। मेरे हाथ बंधे हुए हैं, तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे ब्रिगेड और डिवीजन हेडक्वार्टर्स की सलाह लेनी पड़ेगी। अगर मैं ब्रिगेड और डिव हेडक्वार्टर्स के भरोसे बैठा रहा, तो जवाब आने से पहले दुश्मन कश्मीर पहुंच जाएगा। सर, आप अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करता हूँ। सर, आई एम विथ यू, आई विल ऑलवेज बी विथ यू। नमस्ते और आदाब फौजी भाइयों, आज का पहला गीत इनकी फरमाइश पर हवलदार अब्दुल कादर, सुबेदार दान सिंह और राजपूत रेजिमेंट के कैप्टन दिलेर सिंह।
साबजी, साबजी, साब साबजी लाला, तुमने तो कहा था कि अलबख्श को मेजर प्रताप सिंह ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वो तो वादियों में मौत का साया बन के घूम रहा है। उसके हाथों मेरे कई साथी शहीद हो गए लाला। अगर तुम एक अलबख्श को काबू में नहीं कर सकते तो फिर पूरे कश्मीर को खाक आजाद करवाओगे। मुझे आखिरी मौका दो गुलमस्तान। अलबख्श का जनाजा नहीं उठेगा, वो जिंदा दफन होगा मेरे हाथों, और हमें आजादी मिलेगी। इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज लाला। खुदा हाफिज। अलबख्श, हमारा ट्रांसमीटर बर्बाद हो चुका है। गोला बारूद और हथियार भी इतने नहीं कि हम ज्यादा देर तक दुश्मन का सामना कर सकें। इसलिए हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम दोनों को नीचे कंट्रोल पोस्ट पे जाना पड़ेगा। ख्याल रहे, हिंदुस्तान की इस पोस्ट की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम दोनों की है। आप बेफिक्र होकर जाइए साहब जी, अलबख्श ने आप लोगों की तरफ फौजी वर्दी तो नहीं पहनी, पर उसकी रगों में हिंदुस्तानी खून तो है। इंशाल्लाह जब तक इस जिस्म में सांसें हैं, दुश्मन कश्मीर का एक जर्रा भी नहीं ले जा सकता। साहब जी, मेजर साहब आ गए। साहब जी कहाँ हैं? मेरे मेजर साहब कहाँ हैं? तो ये बेनामी की मौत मरा जाएगा। इसकी मौत पूरे जहानाबाद के लिए एक सबक होनी चाहिए। हम इसे गांव के बीचों बीच मारेंगे ताकि कोई भी आपके खिलाफ बगावत ना कर सके। हाँ तो ठीक है, ले जाओ इसे, ले जाओ इसे, और इसकी मौत के साथ साथ इसकी मासूका नरगिस को भी खत्म कर देना, और दोनों को जहानाबाद के बीचों बीच दफन कर दो, और पूरे जहानाबाद में आजादी का ऐलान कर दो, और मैं खुद गुलमस्तान के इस्तकबाल के लिए जा रहा हूं। उसके आते ही सबसे पहले मैं जहानाबाद के पुल को उड़ा दूंगा। ठीक है, ले जाओ इसे, ले जाओ, ले चलो इसे।
अस्सलाम वालेकुम गुलमस्तान। वालेकुम अस्सलाम लाला। हमने हमारे वादे के मुताबिक अलबख्श को गिरफ्तार करके उसे जिंदा दफन करने के लिए भेज दिया है। आप अपने मुजाहिदीनों के साथ आकर जौनाबाद को अपने कब्जे में ले लो। एक जौनाबाद की क्या बात करते हो लाला, इंशाल्लाह कल श्रीनगर के डल झील के शिकारे में बैठ के हम फतेह का जाम पिएंगे। बेशक गुलमस्तान, हम खुद तुम्हें लेने टाइगर हिल पर आ रहे हैं। लाला, जो जगह पाकिस्तान की तारीख में जिन्ना की है वो जगह आजाद कश्मीर की तारीख में आपकी होगी। आमीन। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो। ले जाओ इसे और लटका दो इस कमीने को। लाला के हुक्म से जौनाबाद के अवाम को यह इत्तला दी जाती है कि आज से जौनाबाद एक आजाद मुल्क है और जल्द ही पाकिस्तानी फौजें इसकी हिफाजत के लिए यहां पहुंच जाएंगी। जिसने भी इसकी आजादी से इनकार किया उसका भी वही हश्र होगा जो इस गद्दार अलबख्श का हुआ है। हमारा परचम लहराते ही इसे गोलियों से भून दिया जाएगा। सुना तुम लोगों ने? रजाक, मसूद, thank you.
सत्या जल्दी करो। या मेरे मौला, ये क्या हो रहा है? हमारे इस जौनाबाद को, इस छोटी सी जन्नत को दुश्मनों से बचाना मेरे मौला, दुश्मनों से बचाना, दुश्मनों से बचाना। लाला और गुलमस्तान के साथ पाकिस्तानी फौजियां हमारे मुल्क पर हमला करने आ रही हैं। उन्हें रोकिए साहब जी। अलबख्श, जो हथियार तुम्हारे कब्जे में थे वो कहाँ हैं? हनुमान मंदिर के पास साहब जी। इधर गांव वालों को बचाना है, उधर मुल्क को। तुम गांव वालों की हिफाजत करो, मैं सरहद की रक्षा करता हूँ। इम्तिहान का वक्त आ गया कैप्टन सोनिया।
करो। मेजर प्रताप सिंह।
गुलमस्तान, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क ही नहीं है जो हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर सके। लाला सुन, बोल रहा एक हिंदुस्तानी, तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, तुम कश्मीर मांगोगे हम चीर देंगे। पाक से मिलकर इस जमीन को नापाक करने वाले लाला सुल्तान, आज ये खंजर मैं तुझे सूद समेत वापस लौटाऊंगा। नहीं साहब जी, साहब अम्मी अब्बू, आज मैंने अपने दुश्मनों पर फतेह हासिल कर ली। मैं मेजर साहब के लिए दुआ मांगने आया हूं जो इस वक्त जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। शायद ये दुनिया का पहला केस है कि इतनी गोलियां लगने के बावजूद मेजर प्रताप जिंदा है, और रिकवर होने के बाद बस कुछ ही दिनों में वो आपके सामने होंगे। थैंक यू डॉक्टर, इट्स ऑल राइट। दोस्तों, भगवान की कृपा और आप सबकी दुआओं की वजह से आज मैं जिंदा हूं, और भारत मां ने मुझे जाने नहीं दिया। पर हम